तो आ चुके हैं हम एक न्यू वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमारी जो बाइक में है मेजर काम होना बाकी है, जो पीरियोडिक मेंटेनेंस जिसको कहा जाता है, जैसे कि टाइम टू टाइम जब चीज़ें वेयर आउट होती है आपकी बाइक में तो आपको वो चेंज कराने रहती है, तो वही सब मेजर काम। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था अपनी बाइक का टायर्स चेंज करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आपको भी पता है कि टायर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी एक बाइक में। एक पावर डिलीवरी के लिए, लीन कभी करते हो तो उसमें सपोर्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और जब आप हाई स्पीड्स में भी जाओ तो टायर्स आपको सपोर्ट करे स्ट्रेट लाइन में जाए। तो टायर्स मैंने डलवाए हुए अपनी बाइक में, वो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं अपनी इंडियन कंपनी सीएट के द्वारा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। इसके ग्रूव्स, लाइनिंग्स वो सब देख सकते हो आप। तो ये मॉडल जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। C8 का तो मेरे को ये मॉडल पता था कि ये मॉडल लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैं जाने वाला था अपोलो अल्फा H1 जहाँ से, जैसे कि 200cc हो, 350 हो, 390 हो, तो सब में मेनली कॉमनली वही टायर्स यूज़ होते हैं, तो मैं वही परचेज़ करने गया था, लेकिन वो स्टॉक अवेलेबल नहीं था। प्रीवियसली इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी इतनी हाई सीसी बाइक के लिए, वो सेमी रेडियल होता था, स्टील ब्रेडेड नहीं होते थे। तो ये फर्स्ट टाइम कोई इंडियन कंपनी ने स्टील ब्रेडेड टायर्स लॉन्च किए हैं। तो ये टायर्स लगा के जस्ट मुझे अभी 24 आवर्स ही हुए, और टायर रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वाइट गुड। मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा, कि जस्ट अभी लगे। और नए टायर्स को थोड़ा यूज टू होने के लिए एक 30-40 किलोमीटर आप चलाओगे तो प्रॉपर सेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर देखेंगे हम टायर का रिस्पॉन्स क्या है। और ये जो टायर में कंपाउंड यूज़ हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप बीच का इतना जो पार्ट देख रहे हो ये होता है हार्ड कंपाउंड, मतलब उतना भी हार्ड नहीं रहता लेकिन हार्ड कंपाउंड रहता है, और साइड्स के जो ये प्रोफाइल रहता है ये सॉफ्ट कंपाउंड रहता है, जो आपको हेल्प करते हैं लीनिंग में। बैक में भी सेम ही है, तो लगवा लो। मुझे पता था कि ये टायर मार्केट में आ चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है क्या नहीं, कस्टमर्स फीडबैक कैसा है वो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप लगवा लो। कस्टमर्स फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि उन्होंने 4 पेयर ऑलरेडी सेल कर चुके थे। तो मेन काम जो था अपनी बाइक में वो हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने जस्ट अभी राइड भी किया हूँ, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, पावर इम्प्रूव हो चुका है, जो पावर दबी दबी चल रही थी बाइक की। तो एक राइड भी हम ये महीने प्लान कर रहे हैं 26 को, संडे मॉर्निंग राइड। तो हमारा छोटा सा ग्रुप है, हम जाएंगे और देखेंगे कि हाईवे पे कैसे परफॉर्म करती है। मेरी उम्मीद के हिसाब से तो ये अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार कोई अपना इंडियन ब्रांड ने लॉन्च किया है। जनरली लोग अपोलो अल्फा H1 की तरफ जाते हैं, और चार्जेस वगैरह के वजह से उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही हो जाता था, जैसे मिशलिन हो गया, पिरेली हो गया, और बाकी सब कंपनीज हो गए, उनके प्राइस बहुत ही हाई जाते थे, लगभग 22,000 अप्रॉक्स पैर पड़ते थे। ये आपको 11,000 अप्रॉक्स पड़ जाएगा आप अगर लेने जाओगे तो। और ये जस्ट मिल से, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय।